दोस्तों आज हम क्लास 10th के वर्णिका भाग 2 के पाठ संख्या 1 दही वाली मगम्मा को पढ़ेंगे। इसके लेखक श्रीनिवास जी हैं और यह एक कन्नड़ कहानी है। दोस्तों इसके अनुवादक बिया नारायण हैं। वेंकटपुर नामक गांव में एक विधवा औरत रहती थी जिसका नाम मगम्मा था। मगम्मा के घर मगम्मा का बेटा और उसकी बहू और एक उसका पोता रहता था। उसकी बहू का नाम नजम्मा था। मगम्मा दही बेचने का काम करती थी और वह अपने गांव से 3 मील दूर बेंगलोर दही बेचने जाया करती थी। इसकी मुलाकात एक औरत से हुई जिसे ये माजी कहकर पुकारती थी। एक दिन नजम्मा अपने बेटे को किसी बात को लेकर पीट रही थी जिसे देखकर मगम्मा अपनी बहू से कहती है, क्यों री राक्षसी, क्यों इस बच्चे को पीट रही है। तो नजम्मा अपने सास को ही भला बुरा कहने लगती है और कहती है, आपके लाड प्यार ने इसे बिगाड़ा है। तो मगम्मा कहती है, आने दे तेरे पति को, उससे ही तुझे डांट सुनवाती हूँ। जब उसका पति आता है तो सारी बात सुनने के बाद अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, क्या मेरी पत्नी को अपने बच्चे को पीटने का हक नहीं है। तो माँ कहती है कि तू भी अपने पत्नी का ही पक्ष लेता है। यदि मैं तुम लोगों को बोझ लगती हूँ तो क्या मुझे अब अलग खाना बना के खाना पड़ेगा। तो उसका बेटा बोलता है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो यही सही। तभी मगम्मा कहती है कि तो ठीक है, मैं आज दोपहर से ही अपना भोजन अलग बनाऊंगी। मगम्मा अपनी सबसे अच्छी व्यक्ति बेंगलोर वाली माजी को मानती थी और जब भी बेंगलोर जाती थी तो मगम्मा माजी से जरूर मिलती थी और अपनी सारी बातें उन्हें बताया करती थी। पहले जब मगम्मा दही बेचा करती थी तो जो उसे पैसे मिलते थे उससे वह अपनी बहू के लिए गहने खरीदा करती थी। लेकिन जब इसकी बहू इससे अलग हो गई तो अब मगम्मा के पास पैसे बचने लगे। मगम्मा जब भी माजी के पास जाती थी तो देखती थी कि माजी मखमल का ब्लाउज पहनती हैं। तो मगम्मा ने माजी से कहा कि माजी, मैं भी एक ऐसा ब्लाउज लेना चाहती हूँ, कितने का पड़ेगा। तो माजी ने कहा, लगभग 8 रुपए का पड़ेगा। यह सुनकर मगम्मा घर आ गई और अगले दिन मगम्मा दर्जी को वैसा ही ब्लाउज सीने को दे दी। लगभग 8 से 9 रुपए खर्च करने के बाद मगम्मा भी मखमल का ब्लाउज पहनने लगी जिसे देखकर उसकी बहू नजम्मा उससे जलने लगी और कहती है कि देखो, इसे बुढ़ापे में भी जवानी याद आ रही है। उस गांव में एक लालची लंपट जुगाड़ी आदमी रहता था जिसका नाम रंगप्पा था। जब यह बात रंगप्पा को पता चली कि मगम्मा के पास बहुत पैसे हैं तो रंगप्पा उसके पीछे पड़ गया और रंगप्पा उससे हमेशा कहता था कि अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो मुझे उधार दे दो, मैं भी तुम्हें वापस कर दूंगा। पर मगम्मा कहती है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। रंगप्पा हमेशा गांव के अमराई के कुएं के पास मगम्मा को रोकता था और उससे पैसे मांगता था। तो एक दिन मगम्मा ने सोचा कि रंगप्पा मेरे से पैसे लेना चाहता है। तो अगले दिन जब मगम्मा दही बेचने के लिए बेंगलोर गई तो मगम्मा ने माजी से कहा कि माजी, मेरे पास अब पैसे बच जाते हैं तो मैं यह पैसे आपके पास रखना चाहती हूँ। और मगम्मा ने माजी के पास पैसे रखवा दिए। अगले दिन जब यह बात नजम्मा को पता चली कि मेरी सास का पैसा रंगप्पा मांग रहा है तो नजम्मा ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा।
कि वह पैसे मुझे मिल जाएं, तो नजम्मा अपने बेटे को कहती है कि तुम अपनी दादी के पास जाओ, और जब हम वहां आए तो बोलना कि मैं दादी के पास रहूंगा और दादी के पास ही खेलूंगा और खाऊंगा। फिर वह अपनी दादी के पास चला गया। शाम को नजम्मा अपने पति के साथ मगम्मा के घर जाती है और मगम्मा से माफ़ी मांग लेती है, और नजम्मा कहती है कि माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, उस दिन मुझे गलती हो गई थी, अब हम लोग आपके साथ रहना चाहते हैं, और आप कब तक दही बेचने का काम करेंगी, अब तो आप बूढ़ी हो गई हैं, तो आप दही बेचने का काम मुझे दे दो। इस प्रकार उसकी बहू दही बेचने का काम ले लेती है और मगम्मा से कहती है कि अब आप घर पर ही रहिए और घर संभालिए। दोस्तों अब आपको इसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगा लेना है। दोस्तों अगर आपने गोधली भाग दो की वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों लिंक कमेंट में, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉच।